नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इन्हें कल SSC सामान्य अध्ययन बुक का तीसरा एडिशन में दिया गया पांचवा टॉपिक त्योहारों से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों सभी प्रश्न त्यौहार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिनेकल बुक का हमारा पांचवा टॉपिक है त्योहारों से संबंधित प्रश्नों का और हमने इसके दोस्तों 422 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए थे और अब इसका जो त्यौहार से हमारा पांचवा टॉपिक है वो हमारा 423 प्रश्न से शुरू है। हमारा 423 प्रश्न है दोस्तों, सूर्य शास्त्रीय नित्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित किया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नित्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित किया जाता है। आंसर है इसका तिरुवनंतपुरम केरल में। सूर्य शास्त्रीय नित्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव सूर्य स्टेज और फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है। केरल के कुछ अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं आपके ओणम, अट्टुक्कल, पोंगल, विशु, तिरुचूरपुरम, हैयम महोत्सव, नाव दौड़ महोत्सव, मकर विलक्कू, अदुर्गज मेला, पैनकुनी महोत्सव, अम्बाला पूजा अरट्टू आदि, अम्बाला पूजा अरट्टू आदि। दोस्तों ये सभी जो आपके हैं केरल से संबंधित आपके त्यौहार हैं, ये भी आप जरूर याद रखें। आपका 424वां प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के डैश जिले में मोडेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। आंसर है इसका महसाणा। मोडेरा जो नृत्य महोत्सव है दोस्तों ये गुजरात के महसाणा में जो है मनाया जाता है। भारत में नृत्य महोत्सव है आपके पहला बामनिया, छाऊ नृत्य महोत्सव पश्चिम बंगाल का, दूसरा है खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का, खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का, कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा का, मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु का, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव उड़ीसा का, नाट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु का, नाट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु का है, निशागंधी नृत्य महोत्सव ये आपका केरल का है, निशागंधी नृत्य महोत्सव केरल का है, तिरुपुर संगीत और नृत्य महोत्सव आपका ये छत्तीसगढ़ का है, तिरुपुर संगीत और नृत्य महोत्सव ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 425 प्रश्न है, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव डैश का सांस्कृतिक गौरव है। आंसर है इसका महाराष्ट्र। आंसर है इसका महाराष्ट्र। हाथी महोत्सव हर साल फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव हर साल फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। राजा कृष्ण राज कलचुरी वंश राजवंश के द्वारा स्थापित एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। तो ये मनाया जाता है हाथी महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर। 426वां प्रश्न है, डैश के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है। आंसर है इसका जनवरी। महाराष्ट्र पर्यटन विकास द्वारा आयोजित एलोरा महोत्सव एलोरा अजंता महोत्सव हर साल अक्टूबर या फिर जनवरी, अक्टूबर या जनवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजंता और एलोरा गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रही हैं और इन्हें बौद्धिक धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है आपका 427वां प्रश्न है, कोणार्क नृत्य महोत्सव डैश की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर एडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क नृत्य महोत्सव दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा, इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था 1984 में। श्री सोमनाथ मंदिर देवपाटन गुजरात में है, गुरुवायूर मंदिर केरल में है, कामाख्या मंदिर गुहा के असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित मंदिर है। 428वां प्रश्न है दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं। आंसर है इसका अस्थि पर्व। अस्थि पर्व निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां अस्थि पर्व के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में देवी जगधात्री की पूजा की जाती है। रजान या गंगन एक हिंदू त्यौहार है जो शिव पार्वती जैसे देवताओं से जुड़ा है। कल्पतरु उत्सव रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। कल्पतरु उत्सव रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक वार्षिक उत्सव है, वार्षिक धार्मिक उत्सव है। मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। आंसर इसका केरल। केरल में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। केरल में कुछ प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, केरल नाव महोत्सव, हैयम महोत्सव, ओणम मंदिर, ओणम
जो त्यौहार है मनाया जाता है वो केरल में, और विशु, अट्टुकल, पोंगाला, तिरुवथीरा, अम्बाला पूजा, अरट्टू, त्रिशूर पूरम, अरनमुला, उत्तरा तथी, अदूर गज मेला आदि है। अदूर गज मेला आदि है दोस्तों, सभी जो है केरल के आपके धार्मिक त्यौहार उत्सव हैं। मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों साथ दौड़ना, भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? आंसर है इसका कम्बाला। कम्बाला कीचड़ के छींटे और खेतों में दौड़ते हुए एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के कम्बाला त्यौहारों के लिए विशिष्ट स्थल है। महामस्तक अभिषेक जैन समुदाय के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो कर्नाटक में स्थित श्रवण बेलगोला शहर में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। दोस्तों आप जरूर याद रखें कि जो ये महामस्तक अभिषेक जैन समुदाय का जो ये त्योहार है दोस्तों, ये कर्नाटक में श्रवण बेलगोला शहर में मनाया जाता है, जो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। पट्टडकल उत्तरी कर्नाटक भारत में 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू और जैन मंदिरों का एक परिसर है। करगा उत्सव कर्नाटक में प्रत्येक वर्ष आदिशक्ति के रूप में द्रौपदी की वापसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 431वां प्रश्न है दोस्तों, मे दम मे फी एक पूर्वज पूजा उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है। आंसर इसका असम। मे दम मे फी असम का त्यौहार है। मे दम मे फी असम का त्यौहार है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, विशु, वैशागु, अली ए लिगांग, बैखो, रोंगकर, वोहांगियो विशु, अंबुवाशी मेला आदि है। अंबुवाशी मेला आदि है। सिक्किम के डैश त्योहारों को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के डैश त्योहारों को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका साकेवा। साकेवा सिक्किम में किरात खम्बू राय समुदाय के लिए एक धार्मिक त्यौहार है। भारा हिमिजोंग सिक्किम में मंगर समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। बारा हिमिजोंग सिक्किम में मंगर समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। लोसर लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इंद्र जात्रा भगवान इंद्र दिवस का उत्सव है। इंद्र जात्रा नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्यौहार है। इंद्र जात्रा नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्यौहार है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में मनाया जाता है इंद्र जात्रा। 433वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? आंसर है इसका काली पूजा। काली पूजा हिंदू महीने की कार्तिक की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती को भगवान महावीर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। दशहरा जिसे विजयदशमी या विजय का दिन भी कहा जाता है, नवरात्रि की 9 रातों के बाद आता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है और इसलिए यह वसंत के आगमन का प्रतीक है भी है। 434वां प्रश्न है, सांग कैन डैश का एक पर्व है। सांग कैन डैश का एक पर्व है। आंसर इसका बौद्धों का। सांग कैन बौद्धों का त्यौहार है। अन्य बौद्ध त्यौहारों में है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा, हेमिस महोत्सव, लोसर महोत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, परिनिर्वाण दिवस, रूम टेक चाम महोत्सव और मणि रिमुडू महोत्सव शामिल है। प्रसिद्ध जैन त्यौहार है दोस्तों, पर्युषण पर्व, जन्म कल्याणक, अष्टानिका पर्व, नंदीश्वर अष्टानिका, ज्ञान पंचमी, पोष दशमी, ये सभी दोस्तों जैन त्यौहार हैं। वैसाखी सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईस्टर क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत के किस राज्य में फतोरप्पा जात्रा मनाया जाता है? आंसर है इसका गोवा। फतोरप्पा जात्रा जो है वो गोवा के सबसे प्रसिद्ध जात्राओं में से एक, क्यूपेम तालुका के फतोरप्पा में शांता दुर्गा कुनकोलिन कालिन के मंदिर में मनाया जाता है। भारत में प्रसिद्ध मंदिर मेले हैं पूरी रथ यात्रा जो कि उड़ीसा का है, केरल में त्रिशूर पूरम मनाया जाता है और केरल में अरट्टू महोत्सव मनाया जाता है, अट्टू वेला महोत्सव मनाया जाता है, तिथिरई तिरुविझा महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, कर्नाटक में दोस्तों वैरामुड़ी गरुड़ उत्सव महोत्सव, करगा महोत्सव मनाया जाते हैं, कोटप्पा कोंडा मंदिर मेला मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, नंदा देवी महोत्सव उत्तराखंड में, वैंकुट चतुर्दशी मेला उत्तराखंड में, केला देवी मेला राजस्थान में, केला देवी मेला मनाया जाता है दोस्तों राजस्थान में, और अंबुवाची जो मेला है दोस्तों ये मनाया जाता है असम राज्य में। डैश नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 3 दिवसीय महोत्सव है। आंसर इसका रोटेला पांडुंगा।
रोटेला पांडुंगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सबसे बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव है। वेशागु अली एलिगांग बारपेटा सभा भेला दिया महोत्सव मीदम मीफी कामरूप भतेलिया असम के प्रसिद्ध त्यौहार हैं, ये आप जरूर याद रखिए। 437 प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, आंसर है इसका महिषासुर। दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार पारंपरिक रूप से अश्विन यानी कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, आंसर है इसका फूलदेई। फूलदेई उत्तराखंड का एक त्यौहार है। यह जो है चैत्र सीजन यानी कि मार्च से अप्रैल के पहले दिन होता है और इसे फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। फूलदेई त्यौहार को विशु केरल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है और डोल यात्रा जिसे डोल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला रंगों का त्यौहार है। नुआखाई दोस्तों, जो नुआखाई मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। कुर्ग का कोड़वा समुदाय डैश त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। आंसर है इसका केल पौध। कुर्ग का कोड़वा समुदाय केल पौध उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। यह 3 सितंबर को मनाया जाता है। केल का अर्थ है त्यौहार या कवच और पोल्ड का अर्थ है त्यौहार। यह नाटी के पूरा होने का प्रतीक है। यह दिन नाटी के पूरा होने का प्रतीक है जिसका अर्थ है चावल धान की फसल का प्रत्यारोपण। केल पौध के दिन पूजा कक्ष से शस्त्र निकालकर उसकी सफाई की जाती है और फूलों से सजाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्यौहार है जो हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा त्यौहार है दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्यौहार है और हर साल ये अप्रैल में मनाया जाता है, आंसर है इसका मोपिन। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्यौहार मोपिन हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। गालो जनजाति का त्यौहार है ये मोपिन जो कि हर साल अप्रैल में मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। गालो जनजाति के लोग एक दूसरे के चेहरे पर चावल का पाउडर लगाते हैं। यह गालो जनजाति का पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। 441 प्रश्न है दोस्तों, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, आंसर है इसका शरद। शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैश कुर्ग के कोड़वा समुदाय का फसल उत्सव है, आंसर है इसका पुत्री। पुत्री कुर्ग के कोड़वा समुदाय का फसल उत्सव है। यह दिन नवंबर के अंत या दिसंबर में चावल की कटाई के समय मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार मक्खन दही आदि वाले बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं आंसर है इसका जन्माष्टमी। जन्माष्टमी एक भारतीय त्यौहार है जिसे मक्खन दही आदि से भरे बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है, आंसर है इसका पर्युषण त्यौहार। पर्युषण त्यौहार एक जैन त्यौहार है जिसे श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक दक्ष लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो में देगा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 445वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है किस त्यौहार को, आंसर है इसका चेराओबा। चेराओबा उत्सव को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में त्योहारों की सूची है गंग गई लुई गई नी याओसांग चिराओबा मणिपुरी नववर्ष जिसे कहा जाता है चिराओबा कांग मणिपुर की रथ यात्रा है हेकुरुडोगंबा निगोल चककोबा मणिपुरियों का एक सामाजिक त्यौहार है दोस्तों ये चककोबा और कूट जो है दोस्तों कुकी जनजातियों का चीन मिजो का ये त्यौहार है।
दोस्तों सभी दोस्तों आपको दिए गए हैं सभी मणिपुर के मनाए जाने वाले त्यौहार उत्सव हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से योशांग नामक त्यौहार मनाया जाता है? आंसर है इसका मणिपुर में। मणिपुर में पारंपरिक रूप से योशांग नामक त्यौहार मनाया जाता है। होली का वसंत त्यौहार मणिपुर राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा योशांग के रूप में मनाया जाता है। होली का वसंत त्यौहार मणिपुर राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा योशांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? आंसर है इसका भगवान श्री कृष्ण। विष्णु का अवतार उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। धनु यात्रा या धनु यात्रा एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, जो उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? आंसर है इसका छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। छठ एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का मूल त्यौहार है। विशेष रूप से भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के दक्षिणी भागों में ये मनाया जाता है छठ पूजा। कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में डैश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कावेरी संक्रमण दोस्तों अक्टूबर के महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। कावेरी संक्रमण कर्नाटक में अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कावेरी संक्रमण कर्नाटक में कोडागु जिले के ताल कावेरी में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? आंसर है इसका धनु यात्रा। धनु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। धनु यात्रा एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, जो उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाता है धनु यात्रा। 451 प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? आंसर है इसका केरल राज्य। भारत में केरल राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। श्री सुंदरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ सैकड़ों भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। दोस्तों ये जो सुंदरेश्वर महोत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है और शिव को समर्पित है। श्री सुंदरेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, आप जरूर याद रखें। 452 प्रश्न है, एंथूरियम उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में तीन प्रसिद्ध त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें है आपका चपचारकूट महोत्सव, पावलकूट और मीमकूट। सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार द्रुक्पा त्सेची निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? आंसर है इसका भगवान बुद्ध। सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार द्रुक्पा त्सेची भगवान बुद्ध से जुड़ा है। यह त्यौहार भगवान बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में 4 आर्य सत्यों का पहला उपदेश देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार दोस्तों द्रुक्पा त्सेची भगवान बुद्ध से संबंधित है। यह मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों सियांग रिवर फेस्टिवल, पंगसाउ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग नियोकुम, लोसार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, पूरी बूट, लोकू और संकेन। ये दोस्तों सभी दोस्तों हैं जो आपके ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले फेस्टिवल त्यौहार हैं। बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर इसका महाराष्ट्र। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र से जुड़ा है। गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। शिवाजी जयंती, जीवती पूजा, अजंता एलोरा महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं। ये दोस्तों सभी आपके महाराष्ट्र से संबंधित त्यौहार आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा त्यौहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है? आंसर है इसका नव कलेवर। उड़ीसा में नव कलेवर मनाया जाता है। अम्बुवाची मेला गुवाहाटी असम में मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में। और ये एक वार्षिक हिंदू मेला है अम्बुवाची मेला। चापचारकूट भारत के मिजोरम का त्यौहार है। सिक्किम में नामसुंग उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में
नाम चुंग उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों जो आपके सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको दोस्तों विस्तार से यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा त्यौहार किस किस राज्य में मनाया जाता है। आपके जितने भी ऑप्शन है ये आपके सभी आपके क्लियर होते जा रहे हैं। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इसका छत्तीसगढ़ में। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। भीरम देव महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, कजरी महोत्सव छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख त्यौहार है। 458 प्रश्न है दोस्तों। नवन्ना उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? नवन्ना उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश। नवाना एक बंगाली फसल उत्सव है जिसे आमतौर पर बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में भोजन नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का वालविल ओरिविजा उत्सव मनाया जाता है? वालविल ओरिविजा उत्सव मनाया जाता है, ये तमिलनाडु का है दोस्तों। किस महीने में आपसे मनाया जाता है ये पूछा गया है। आंसर है इसका अगस्त महीने में। तमिलनाडु का वालविल ओरिविजा उत्सव अगस्त में मनाया जाता है। और दोस्तों ये आपका 2021 परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल परीक्षा में, और ये दोबारा भी आपका रिपीट हो सकता है आपका ये प्रश्न। तमिलनाडु का वालविल ओरिविजा उत्सव अगस्त में मनाया जाता है। यह तमिलनाडु के कोली पहाड़ियों में भव्य तरीके से मनाया जाता है। 460 प्रश्न है दोस्तों। बस्तर क्षेत्र में डैश त्यौहार स्थानीय देवी केशरपालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। आंसर है इसका मड़ई। बस्तर क्षेत्र में मड़ई त्यौहार स्थानीय देवी केशरपालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। मकरविलुक्कु निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? मकरविलुक्कु निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? आंसर है इसका केरल राज्य में। मकरविलुक्कु केरल में सबरीमाला के मंदिर में मकर संक्रांति पर एक आयोजित एक वार्षिक उत्सव है मकरविलुक्कु। इस त्यौहार में तिरुभरणम भगवान अयप्पन के पवित्र आभूषण जुलूस और सबरीमाला की पहाड़ी मंदिर में एक मंडली शामिल होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य में। इको रिट्रीट उत्सव हर साल उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का मकसद यहाँ निवेश के लिए पर्यटकों के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी आकर्षित करना है। इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ताओ जो आओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ताओ जो आओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर इसका गोवा राज्य से। ताओ जो आओ उत्सव गोवा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। यह 24 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कैथोलिक त्यौहार है। 24 जून को इस त्यौहार के दौरान युवा गोवन कैथोलिक पुरुष सेंट जॉन द बैपटिस्ट को श्रद्धांजलि के रूप में स्थानीय कुओं, नदियों और तालाबों में छलांग ये लगाते हैं बैपटिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए और तैरते हैं। फ्लोट फेस्टिवल डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। आंसर है इसका मदुरै। फ्लोट फेस्टिवल मदुरै में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह तमिल महीने थाई की पूर्णिमा की रात को होता है जो जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य में पड़ता है। त्यौहार की अवधारणा 17वीं शताब्दी की है जब इसे पहली बार राजा तिरुमलाई नायक द्वारा मनाया गया था। तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन लद्दाख में हैमिस महोत्सव मनाया जाता है। त्यौहार निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? आंसर इसका भगवान पद्म संभव। लद्दाख में मनाया जाने वाला हैमिस पर्व जो है भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? थाई पूसम। तमिल त्यौहार तमिल हिंदू समुदाय द्वारा जनवरी फरवरी में थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह पर्व भगवान मुरुगा को समर्पित है। 467वां प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? आंसर है इसका वोथा मेला। गुजरात का त्यौहार है दोस्तों वोथा मेला जो पशु व्यापार उत्सव है। नवरात्रि भी है, रण उत्सव भी दोस्तों गुजरात के त्यौहार है। जैसे सफेद रेगिस्तान जीवंत विरासत के साथ विलीन हो जाता है। और उत्तरायण दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। श्यामलाजी मेलो रथ यात्रा भवनाथ महादेव मेला एक गतिशील जुड़ो से संबंधित ये त्यौहार है। अलिये लिगोंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आंसर है इसका असम राज्य में। अलिये लिगोंग कृषि से जुड़ा एक वसंत त्यौहार है। विशेष रूप से आहुधान की खेती की शुरुआत के साथ यह असम के मिसिंग या मिरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
असंख्य मेले और त्यौहार है दोस्तों। बीहू, मेदम, मेफी, माजूली, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, हाथी, जून बिल मेला, रोंगकर और चुमांग कान, पेशागु, अम्बुवाशी मेला, बड़े सहरिया, भोना, दोला, उसरी दोस्तों जो है सभी आपके असम के मेले और त्यौहार हैं। तीयन पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो डैश की शुरुआत का जश्न मनाता है। आंसर है इसका मानसून, महिलाओं द्वारा और उनके लिए मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार तीयन या पंजाबी तीज मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तीयन सावन मास के तीसरे दिन शुरू होता है और सावन पूर्णिमा पर समाप्त होता है जो कुल 13 दिनों तक चलता है। 417वां प्रश्न है दोस्तों, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है। जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। आंसर इसका गणेश चतुर्थी, दोस्तों मेरी वीडियो में दिए गए कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों नुआखाई जो महोत्सव है दोस्तों, ये उड़ीसा का फसल कटाई उत्सव है जो आपका गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद पंचमी तिथि या चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है, जो ज्यादातर अगस्त या फिर सितंबर में आपका पड़ता है। साकेवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। आंसर है इसका सिक्किम। साकेवा सिक्किम के किरात खम्बुराय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। इसे भूमि पूजा या चंडी पूजा, धरती माता की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। सिक्किम में मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार है आपके लोसर, रामनवमी यानी कि चैत्य दशहन, माघ संक्रांति, सोनम लोचर, साकेवा, सागदवा, पांग लहपसोल, तमू लोचर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आंसर इसका मकर संक्रांति। भारत में पतंगबाजी का त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है, जो वसंत के आगमन और सूर्य के मकर राशि में संक्रमण का प्रतीक है। भारत में कुछ राज्यों में मकर संक्रांति को एक प्रमुख फसल उत्सव माना जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है। आंसर इसका पोला त्यौहार। पोला महाराष्ट्र में किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है, जो बेलों और बेलों के महत्व को स्वीकार करता है, जो कृषि और कृषि गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह श्रावण के महीने आमतौर पर अगस्त में पिथोरी अमावस्या अमावस्या का दिन के पड़ता है इसको मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में लोसुंग उत्सव मनाया जाता है। आंसर इसका सिक्किम। लोसुंग उत्सव सिक्किमीज नववर्ष है दोस्तों, यह सिक्किम में मनाया जाता है लोसुंग उत्सव। असम में काटी बिहू पर्व को डैश के पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। जो काटी बिहू त्यौहार है दोस्तों, असम में मनाया जाता है, पर ये किस पेड़ के सामने दीपक जलाकर इसको मनाया जाता है, तो आंसर है इसका तुलसी। असम में काटी बिहू तुलसी के पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। काटी बिहू, जिसे अन्य बिहू के विपरीत कोंगाली बिहू भी कहा जाता है, एक तेज तर्रार त्यौहार नहीं है और ये उत्सव प्रकृति में गंभीर है। कटी बिहू असमिया कैलेंडर में कटी महीने के पहले दिन मनाया जाता है। दोस्तों आपका ये जो प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 की आपकी TSL परीक्षा में पूछा गया है। 10+2 की जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उस लेवल की ये परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है और आपके आगे भी ये प्रश्न आपके आ सकता है। शिग्मा महोत्सव अनिवार्य रूप से जनता का त्यौहार है, जो फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार कौन सा राज्य मनाता है शिग्मो उत्सव? आंसर है इसका आपका गोवा राज्य। शिग्मो या शिग्मो उत्सव त्यौहार फाल्गुन मार्च के महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9वें चंद्र दिन से पूर्णिमा के दिन तक मनाया जाता है। यह गोवा में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। शिग्मो उत्सव, शिग्मो महोत्सव या उत्सव मानसून के आरंभ और पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा पर्वा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर है इसका आपका उड़ीसा राज्य। राजा पर्वा या राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक अनूठा त्यौहार है। यह मिथुन संक्रांति पर होता है। राजा पर्व त्यौहार। झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आंसर इसका जावा त्यौहार। झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियां जावा त्यौहार मनाती है, जिसमें अपने ही तरह के गाने और नृत्य होते हैं। यह मुख्य रूप से अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर परिवारों की अपेक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। झारखंड के अन्य त्यौहार आपके सरहुल,
करम तुसु पर्व या मकर हल पुनः भगत पर्व रोहिणी वंदना जानी शिकार। झारखंड में जो मनाया जाता है आपका दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका जावा त्यौहार, आप जरूर याद रखें। और भी आपको दोस्तों त्यौहार ये दे हैं, सरहुल, करम, तुसु पर्व, मकर, हल पुनः, भगत पर्व, रोहिणी, वंदना, जानी, शिकार, ये भी आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? आंसर इसका सागा दावा। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सागा दावा सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र है, जो इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और इस भौतिक दुनिया से मुक्ति की स्मृति में मनाते हैं सागा देवा त्यौहार। ये मनाया जाता है दोस्तों बौद्ध धर्म का ये त्यौहार, और सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम के नए साल का उत्सव है। लोसुंग भूटिया जनजाति का सिक्किम का एक नया साल है, ये त्यौहार है इसका लोसुंग त्यौहार भूटिया जनजाति का, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है नए साल के मनाए जाने के उपलक्ष्य में, जो हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है लोसुंग त्यौहार। 480वां प्रश्न दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक डैश में आयोजित एक उत्सव है। आंसर इसका नागालैंड। द हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल जो है नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाला उत्सव है। ये भी दोस्तों आप याद रखिए कि कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है दोस्तों दिसंबर माह में हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? आंसर इसका होली। होली एक लोकप्रिय प्राचीन भारतीय त्यौहार है, जिसे प्यार का त्यौहार, रंगों का त्यौहार और वसंत का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। यह त्यौहार राधा कृष्ण के शाश्वत और दिव्य प्रेम का जश्न मनाता है, होली का पर्व। 482वां प्रश्न दोस्तों, अर्थकल पर्व और वेट्टुकुडु महोत्सव डैश राज्य के चर्च उत्सव है? आंसर इसका केरल राज्य। केरल राज्य अर्थकल पर्व और वेट्टुकुडु महोत्सव केरल राज्य के चर्च उत्सव है। केरल के अन्य आपके चर्च त्यौहार हैं हरनंग नम, एडापल्ली, पेरुनल, एडथुआ, कदम टम, कदम टम, कल्लापोरा, पेरुनल, पोराटी, मलयट्टूर, मजनी निक्कारा, मेरामोन कन्वेंशन, नीरानाम, रकुली तिरुनल, सेंट डोमिनिक, सीरियन, थम्पोली, वेट्टुकुडु। थम्पोली और वेट्टुकुडु आपके दोस्तों केरल के चर्च त्यौहार है। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर इसका आंध्र प्रदेश का। उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नया साल ये है उगादी उत्सव। यह चैत्र के हिंदू कैलेंडर माह के पहले दिन मनाया जाता है, आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अप्रैल में इसे मनाया जाता है। इस दिन लोग फर्श पर रंग पैटर्न बनाते हैं, जिसे मुगलू कहते हैं, और आम के पत्तों की सजावट तोरण नामक दरवाजों पर करते हैं भातुकम्मा और बोनालू कहाँ के राजकीय त्यौहार है? भातुकम्मा और बोनालू कहाँ के राजकीय त्यौहार है? आंसर इसका आपका तेलंगाना राज्य का। भातुकम्मा और बोनालू तेलंगाना के राज्य त्यौहार है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है और इसे 2 जून 2014 को एक पूर्ण राज्य घोषित किया गया था तेलंगाना राज्य को। दोस्तों जो भातुकम्मा है और बोनालू है ये तेलंगाना के राजकीय त्यौहार है। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है, जिसे डैश के किरात खम्बुराय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आंसर इसका आपका सिक्किम राज्य। साकेवा सिक्किम के खिरात खम्बुराय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। इसे भूमि पूजा या चंडी पूजा, धरती माता की पूजा के रूप में भी जाना जाता है साकेवा त्यौहार को। बलि यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ है बलि की यात्रा, विशेष रूप से डैश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। आंसर इसका कटक में। बलि यात्रा कटक उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। यह महानदी के तट पर स्थित उड़ीसा का एक शहर है। उड़ीसा का शहर आपका ये कटक, और ये कटक में मनाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है। यह त्यौहार हर साल ओडिया कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिका के दिन पूर्णिमा के दिन की तारीख से मनाया जाता है वाली यात्रा। सैंक्रेनई का त्यौहार फरवरी के माह में डैश की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सैंक्रेनई का त्यौहार फरवरी के माह में डैश की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आंसर इसका नागालैंड। सैंक्रेनई का त्यौहार अंगामी नागाओं का एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है, जो नागालैंड में रहने वाली एक जनजाति है। इसे फुसनी के नाम से भी जाना जाता है, सैंक्रेनई त्यौहार को। ये मनाया जाता है आपका दोस्तों नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा। डैश पारसी मूल का एक त्यौहार है, जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषु को दिन को चिन्हित करता है, तथा भारत में विशेष रूप से पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। आंसर इसका जमशेदी नव रोज पारसी मूल का
त्यौहार है जो हर साल मार्च में बसंत विषु के दिन को चिन्हित करता है और भारत में पारसियों द्वारा मनाया जाता है। इसे पारसियन न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। वे पूरी दुनिया में जोरोस्ट्रियन एक धर्म का पालन करते हैं। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित महीनों में इसे किस महीने में मनाया जाता है गुरु पर्व को? आंसर इसका आपका कार्तिक। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है जो कार्तिक के महीने में मनाया जाता है गुरु पर्व। संक्रांति फसल त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका उत्तरायण। संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रमुख भारतीय फसल त्योहारों में से एक है। इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हरियाणा में दोस्तों इसे संक्रांत, पंजाब में माघी, गुजरात में उत्तरायण, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी इसे कहा जाता है। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? सिक्किम राज्य का। सागा दावा सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक महीने तक चलने वाला यह त्यौहार है सागा दावा। यह बुद्ध शाक्य मुनि का सम्मान करता है जिनका जन्म, ज्ञान और निर्वाण एक ही महीने में हुआ था। 492 प्रश्न दोस्तों, सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। सागा दावा को तिब्बती बुद्धों के लिए गुणों का महीना कहा जाता है। सागा दावा को तिब्बती में दावा का अर्थ है महीना और सागा तिब्बती कैलेंडर के चौथे चंद्र महीने के दौरान आकाश में प्रमुख तारे का नाम है। जब सागा दावा मनाया जाता है, सागा दावा आमतौर पर मई में शुरू होता है और जून में समाप्त होता है। सागा दावा महोत्सव बुद्ध के जन्म, परिनिर्वाण यानी के मृत्यु और ज्ञानोदय का जश्न मनाता है। सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो डैश के महीने में मनाया जाता है। आंसर इसका अप्रैल। बिहू असम का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तीन अलग अलग त्योहारों जैसे कि रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, कंगाली या कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगाली या माघ बिहू ये आपका जनवरी में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपके तीन बिहू के उस अलग अलग रूप है जो है आपके रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू अप्रैल में, कंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में, भोगाली या माघ बिहू जनवरी में आपके ये मनाए जाते हैं। माघ बिहू फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। रोंगाली बिहू असमिया नववर्ष के रूप में आता है जबकि कटी बिहू फसल के मौसम का जश्न मनाता है। दोस्तों आपके असम के बिहू के रूप है। जनजातीय त्यौहार भगता पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? आंसर इसका झारखंड राज्य में। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार है जो बसंत और गर्मियों के अवधि के बीच में मनाया जाता है। भगता पर्व और झारखंड के आदिवासी लोगों में भगत पर्व को बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार झारखंड के तमार क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। यह झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों भगता पर्व। कौन सा त्यौहार तिब्बत के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है? आंसर इसका लोसर त्यौहार। लोसर त्यौहार चंद्र और तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है जिसे तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। यह एक त्यौहार है। 496 प्रश्न दोस्तों, हर वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा के लिए आप निम्नलिखित में से किस राज्य में जाएंगे? आंसर इसका छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में दिवाली के अगले दिन गोरा गोरी पूजा मनाई जाती है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के लोगों के देहाती जीवन के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। सभी पारंपरिक पोशाक में ये दी रोत नाचा और पंथी नृत्य की रस्मों को देखती हैं। डैश त्यौहार को असम के अहोम लोगों के द्वारा मृत लोगों की याद में हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर इसका मी डैम मी फी। अहोम लोगों द्वारा दिवंगत लोगों की याद में हर साल 31 जनवरी को मनाया जाने वाला अहोम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज पूजा सांप्रदायिक त्यौहार है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इसका नागालैंड राज्य में। हार्नबिल फेस्टिवल जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाला उत्सव है। इसका उद्देश्य नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को पुनर्जीवित करना, संरक्षित करना, बनाए रखना और बढ़ावा देना है। किस राज्य में हर वर्ष मार्च के महीने में चपचारकूट का त्यौहार मनाया जाता है? आंसर इसका मिजोरम राज्य में। चपचारकूट महोत्सव मिजोरम का त्यौहार है। यह झूम संचालन के उनके सबसे कठिन कार्य को पूरा करने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है आपका चपचारकूट महोत्सव मिजोरम राज्य में। 500 प्रश्न है दोस्तों, इस त्यौहार को पूरब का महाकुंभ भी कहा जाता है।
इस त्यौहार को पूरब का महाकुंभ भी कहा जाता है। आंसर इसका अंबुवाची मेला। अंबुवाची मेला, अंबुवाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यह गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और हर साल यह जून के महीने में मनाया जाता है। अंबुवाची का अर्थ है पानी से बोली जाने वाली और इसका अर्थ यह भी है कि इस महीने के दौरान होने वाली बारिश पृथ्वी को उपजाऊ और प्रजनन के लिए तैयार करती है। मनाया जाता है दोस्तों आपका अंबुवाची मेला असम गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में। निम्न में से किस त्यौहार का अर्थ मेरी मेकिंग द गॉड्स है? निम्न में से किस त्यौहार का अर्थ मेरी मेकिंग द गॉड्स है? आंसर इसका ली हरोबा, जिसे हम लाई हरोबा भी कहते हैं। लाई हरोबा मणिपुर का अनुष्ठानिक समारोह है जिसे कुब्रू हिल के पवित्र स्थल हैरोथेल में देवी देवताओं द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण के पुनः अधिनिमित करने का कार्य माना जाता है। दोस्तों माना जाता है लाई हरोबा मणिपुर राज्य में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। लाई हरोबा प्राचीन काल में मनाए जाने वाले मैतेई लोगों का एक अनुष्ठानिक त्यौहार है। यह मणिपुर की पूरी संस्कृति को दर्शाता है और पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। किस राज्य में उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से मनाया जाता है? किस राज्य में उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से मनाया जाता है? गुजरात राज्य में। संक्रांति गुजरात राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जो दो दिनों तक चलता है। 14 जनवरी को उत्तरायण और 15 जनवरी को वासी उत्तरायण। 504 प्रश्न दोस्तों, हेमिस सेचू त्यौहार किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? हेमिस तसेचू त्यौहार किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? गुरु पदम संभव। हेमिस महोत्सव गुरु पदम संभव की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है और इसका अंग्रेजी में अर्थ है कीमती गुरु। इसका अंग्रेजी में अर्थ है कीमती गुरु। यह मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। 505 प्रश्न है, बसंत का त्यौहार अली ए लिगोंग किस राज्य से संबंधित है? आंसर इसका असम राज्य से। अली ए लिगोंग विशेष रूप से आहू धान की खेती की शुरुआत के साथ कृषि से जुड़ा एक वसंत त्यौहार है। यह असम भारत की एक स्वदेशी जनजाति मिसिंग या मिशिंग द्वारा मनाया जाता है। त्यौहार बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक है। पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार मी डैम मी फी इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मी डैम मी फी इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है इसका असम राज्य में। मी डैम मी फी हर साल 31 जनवरी को असम में मनाया जाने वाला एक राजकीय अवकाश है। यह त्यौहार अहोम लोगों द्वारा दिवंगतों की याद में मनाया जाता है। मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है इसका छत्तीसगढ़ राज्य में। मड़ई महोत्सव सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ के सबसे शानदार त्यौहारों में से एक है और आदिवासी क्षेत्र की आकर्षक परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। मैसूरु पेटा देश भर पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान है। आंसर है इसका सिर पर। मैसूरु पेटा मैसूर के राजाओं द्वारा अपने सिर पर पहने जाने वाला एक पारंपरिक पोशाक है और यह रेशम से बना होता है और इसे सुनहरे धागे के फीते से सजाया जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है इसका झारखंड राज्य में। सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्यौहारों में से एक है। सर का अर्थ है वर्ष और हुल का अर्थ है आरंभ करने के लिए तैयार। भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला केलपोद का फसल उत्सव है? आंसर इसका कर्नाटक। केलपोद कुर्ग कर्नाटक का एक स्वदेशी फसल उत्सव है। केलपोद कुर्ग कर्नाटक का एक स्वदेशी फसल उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समूह व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? आंसर इसका जैन। आध्यात्मिक उत्थान और आत्मशुद्धि के लिए जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा हर साल पर्युषण पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार उनके पूरे साल का सबसे पवित्र त्यौहार है। यह पर्व उनके पूरे साल का सबसे पवित्र त्यौहार है पर्युषण पर्व। ये मनाया जाता है दोस्तों जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा। 512 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? आंसर है इसका बाली तृतीय। बाली तृतीय बाली तृतीय उत्सव उड़ीसा में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं और भगवान शिव महेश्वर और देवी पार्वती उमा की पूजा करती हैं। दोस्तों मनाया जाता है बाली तृतीया उड़ीसा में। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका नवरोज। पारसी नववर्ष ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसे नवरोज के नाम से भी जाना जाता है पारसी नववर्ष को। यह परंपरा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर में पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पारसी राजा
जमशेद के नाम पर इस दिन को जमशेद ए नूरुज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने फारसी कैलेंडर की शुरुआत की। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। नागालैंड की ए ओ जनजाति का एक विशेष त्यौहार है जिसे माओत्सु उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार राज्य के एओ लोगों द्वारा मनाया जाता है और खेतों में बीज बोने के बाद ये मनाया जाता है। लोग अपने घरों को फिर से सजाते हैं और जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आते हैं। माओत्सु उत्सव मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड राज्य में एओ जनजाति द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। उगादि शब्द का प्रयोग आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग करते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। उगादि अप्रैल के महीने के आसपास मनाया जाता है। यह एक दिवसीय उत्सव राज्य के सभी लोगों को एकजुट करता है ताकि वे इसका पूरा आनंद उठा सके। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? आंसर है इसका ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। ये चार दिवसीय संगीत कार्यक्रम है तानसेन संगीत समारोह। निम्न में से कौन भारत का एक किसानी त्यौहार है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आंसर है इसका लोहड़ी। पंजाब में लोहड़ी की फसल का यह त्यौहार नई फसल से भुने हुए मकई के दाने खाकर मनाया जाता है। जनवरी गन्ने की फसल लोहड़ी के त्यौहार में मनाई जाती है। गन्ने के उत्पाद जैसे गुड़ और गजक लोहड़ी उत्सव के लिए केंद्रीय हैं। वांगला त्यौहार भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इसका मेघालय राज्य में। वांगला गारो जनजातियों का सबसे बड़ा पारंपरिक त्यौहार है। वांगला त्यौहार दोस्तों गारो जनजातियों का सबसे बड़ा पारंपरिक त्यौहार है जो मेघालय भारत के असम और बांग्लादेश में ग्रेटर माया मानसिंह में रहते हैं। ये जनजातियां इस त्यौहार को प्रत्येक कटाई की अवधि में देर से शरद ऋतु में मनाते हैं। यह त्यौहार हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में आता है। वांगला मौसम मनाया जाता है मेघालय राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है आपको दोस्तों वो बताना है। आपको दिया गया है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, बैसाखी उत्तर प्रदेश का नहीं है। दोस्तों बैसाखी तो आपका जो है ये आपका पंजाब का है। बैसाखी जो आपका दोस्तों पंजाब का है। छठ पूजा बिहार है और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है। गुड़ी पड़वा दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है। बैसाखी आपका पंजाब राज्य से संबंधित त्यौहार है। छठ पूजा बिहार है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है। भातुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इसका तेलंगाना राज्य में। भातुकम्मा एक पुष्प उत्सव है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। हर साल सातवाहन कैलेंडर के अनुसार भाद्र पूर्णिमा से दुर्गा अष्टमी तक 9 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है। भातुकम्मा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। रविंद्र संगीत लोक गीतों का एक समूह है जिसे डैश राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। आंसर इसका पश्चिम बंगाल में। टैगोर गीतों के रूप में भी जाना जाता है रविंद्र संगीत। प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित और रचित लोक गीतों का एक समूह है। टैगोर ने अपने जीवन काल में 2230 से अधिक गीत लिखे जो सभी पश्चिम बंगाल में त्योहारों और अन्य अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते हैं। 522वां प्रश्न है दोस्तों, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इसका तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों मेरी वीडियो में दी गए कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों कंथूरी जो उत्सव है ये तमिलनाडु में संत कादिर वली की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कंथूरी महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। 523वां प्रश्न है, उत्तराखंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक डैश को मूल रूप से शाही दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। आंसर है इसका थड़िया। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक थड़िया है। यह मूल रूप से शाही दरबारों में किया जाता था। यह लोक संगीत का एक रूप है जिसे गायकों के एक समूह द्वारा गाया जाता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही लोग शामिल होते हैं। नीचे सूचीबद्ध सभी त्यौहार असम के त्यौहार हैं। इनमें से गुवाहाटी असम में कामाख्या देवी के मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से आयोजित किया जाता है? आंसर है इसका अंबुवाची त्यौहार। अंबुवाची मेला गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह वार्षिक मेला मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है जो असमिया महीने आहार के दौरान पड़ता है। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई डैश में होती है। आंसर है इसका तमिलनाडु राज्य में।
जल्लीकट्टू मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक पारंपरिक तमाशा है, एक पारंपरिक तमाशा है। बूमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। बूमचू जो त्यौहार है दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, आंसर है इसका सिक्किम राज्य में। बूमचू सिक्किम में रहने वाले बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। बूमचू का शाब्दिक अर्थ है पवित्र बर्तन, पवित्र बर्तन। अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्यौहार त्योसुकुम समाई मनाया जाता है, त्योसुकुम समाई मनाया जाता है, आंसर है इसका नागालैंड राज्य में। त्योसुकुम समाई का त्यौहार नागालैंड के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद देने के लिए मनाया जाता है। त्योसुकुम महोत्सव हर साल अक्टूबर के महीने में नागालैंड में मनाया जाने वाला एक सप्ताह तक चलने वाला यह त्यौहार है। यह त्यौहार नागालैंड के त्योसांग जिले में पाई जाने वाली खिया मनीयुंगन जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यह प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है सोकुम समाई। डैश सिक्किमी बूटियों का एक नया उत्सव है जो सिक्किमी चंद्र कैलेंडर के 10वें माह में आता है, आंसर इसका सोनम लोसुम। सिक्किम के बूटिया का एक नया उत्सव है दोस्तों, वैसाख नहीं होगा यहाँ पे, ये सोनम लोसुम होगा। सोनम लोसुम सिक्किम के बूटिया का एक नया उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। त्यौहार थेरवाद और तिब्बती बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है। ये जो त्यौहार है ये थेरवाद और तिब्बती बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है सोनम लोसुम, सोनम लोसुम। वैसाख डैश के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है, आंसर है इसका बुद्ध। वैसाख जिसे वैशाख दिवस के रूप में भी जाना जाता है इंडोनेशिया में हर साल मई महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और बुद्ध के जन्म ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है, और बुद्ध के जन्म और मृत्यु, जन्म ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है। पर्युषण डैश समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार है, पर्युषण डैश समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, आंसर इसका जैन धर्म, आंसर इसका जैन समुदाय। आध्यात्मिक उत्थान और आत्म शुद्धि के लिए जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा हर साल पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण जैनियों के लिए वार्षिक पवित्र कार्यक्रम है और आमतौर पर अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। 531वां प्रश्न दोस्तों, स्थानीय रूप से वल्लम कल्ली के नाम से प्रसिद्ध डैश एक पारंपरिक खेल है जिसका आयोजन मुख्य रूप से केरल में ओणम त्यौहार के दौरान किया जाता है, आंसर है इसका नौका दौड़। नौका दौड़ जिसे स्थानीय रूप से वल्लम कल्ली के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पारंपरिक खेल है जो मुख्य रूप से केरल में फसल उत्सव ओणम के दौरान आयोजित किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भारत के केरल के अलापुझा के पास पुन्नमदा झील में आयोजित एक कार्यक्रम है। 532वां प्रश्न है, ईद उल फितर शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर के डैश माह में आता है, आंसर है इसका 10वें। ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। यह रमजान के अंत का प्रतीक है। इस्लामिक कैलेंडर वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 11 दिन छोटा है। डैश का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है, आंसर है इसका नवरात्रि। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। अश्विन या अश्विन के महीने के दौरान नवरात्रि 9 दिनों में होती है। डैश के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है, आंसर इसका होली। होली यानी कि फगुआ फाल्गुन के हिंदू कैलेंडर महीने में मनाई जाती है जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च में आती है, जो फरवरी मार्च में आती है। पहली शाम को होलिका दहन, दानव होलिका का दहन या छोटी होली, और अगले दिन होली, रंग वाली होली, धुलेती, धुलंड या फगवा के रूप में जानी जाता है। तमिलनाडु का तीमती त्यौहार किसके सम्मान में मनाया जाता है, तमिलनाडु का तीमती त्यौहार किसके सम्मान में मनाया जाता है, आंसर है इसका द्रौपदी। तीमती तमिलनाडु का एक वार्षिक त्यौहार है जो हर साल तमिल कैलेंडर में अप्पासी के महीने में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में आता है। यह द्रौपदी अम्मन के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, थीमती त्यौहार, थीमती त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में द्रौपदी अम्मन के सम्मान में। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है 536वां प्रश्न, जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है भारत में उसे डैश के नाम से जाना जाता है, जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है भारत में उसे डैश के नाम से जाना जाता है, आंसर इसका कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा।
पश्चिम में हंटर के चंद्रमा को भारत में कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा को भारत में कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और यह पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्यौहार है। कार्तिक पूर्णिमा एक हिंदू सिख और जैन त्यौहार है जो पूर्णिमा के दिन या कार्तिक नवंबर दिसंबर के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कभी कभी देव दिवाली या देव दीपावली या देवताओं की रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। इसे कभी कभी देव दिवाली या देव दीपावली या देवताओं की रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक में दिया गया पांचवा टॉपिक त्योहारों से संबंधित हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।